जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप भी ITBP ट्रेड्समैन भर्ती 2019 के अभ्यर्थी हो तो दोस्तों आपको इंतजार होगा कि हमारा एग्जाम कब तक होगा, साथ में हमारे एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर कब तक जारी किए जाएंगे सभी ट्रेडों की। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत दिनों बाद में एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने लेके आए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी है वो बहुत दिनों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर फिजिकल हो चुका है, ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका रिटर्न एग्जाम वो नहीं कराया गया। दोस्तों इसका बड़ा कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले, आखिर एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, परीक्षा की तारीख कब तक घोषित की जाएगी, सभी ट्रेड की एक साथ आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है, परीक्षा की तारीख को लेकर यहां पर बड़ी खबर मैं आपको स्टूडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको ITBP ट्रेड्समैन भर्ती 2019 के रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों परीक्षा की तारीख से के पहले हम थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें उस पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पर हो चुका है और आशा करता हूँ दोस्तों सभी ने अपने अपने नंबर भी यहाँ पर चेक कर लिए होंगे कि ट्रेड टेस्ट में मेरे कितने नंबर आए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ सभी का ट्रेड टेस्ट की यहाँ पर बात करें तो ऑल ओवर यहाँ पर 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट हुआ था, सभी ट्रेडों का 50-50 नंबर का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट है वो यहाँ पर करवाया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनेगी, अगला आपका जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपका अगला जो पेपर होने वाला है वो यहां पर 50 नंबर का होगा, तो यहां पर टोटल आपके 100 नंबर से ये मेरिट लिस्ट है वो बनने वाली है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में महत्वपूर्ण बातें करेंगे कि एडमिट कार्ड कब तक रिलीज होंगे, कब तक हमारे जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि ये चीजें भी आपको मालूम होनी बहुत ही जरूरी। तो दोस्तों इस प्रकार आपका सिलेबस इस बार रहने वाला है। अगला जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज की यहाँ पर बात करें तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने वाले हैं, क्योंकि आपका पेपर 85 नंबर का आपका यहाँ पर होना है, क्योंकि 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट है जो हो चुका है। दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट है दोनों को मिला के यहाँ पर बनने वाली है। तो यहाँ पर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले और 10 ही नंबर के होने वाले। उसके बाद में जो एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिनेशन पैटर्न, मतलब आपकी यहाँ पर रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन आने वाले। साथ में टू टेस्ट बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपको चॉइस करके यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले और सभी कुल मिला के आपके 50 क्वेश्चन यहाँ आने वाले और 50 ही नंबर का आपका होने वाला और 50 नंबर आपके ट्रेड के होंगे। तो यहां पर कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो दोस्तों इन्हीं में से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो यहां पर बनने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जाम को लेकर, एग्जाम एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, एडमिट कार्ड इतने दिन क्यों जारी नहीं किए गए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत दिनों से इंतजार करे। जी हां दोस्तों, इंतजार होना भी चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। तो यहां पर मैं परफेक्ट आपको बात बता देता हूं कि आपके एडमिट कार्ड क्यों जारी नहीं किए गए और अब कब तक जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, भारत का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट कॉन्स्टेबल जीडी एसएससी जीडी का यहाँ पर चल रहा है अभी। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी का रिक्रूटमेंट चल रहा है, इसके फिजिकल चल रहे थे, लगभग फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं सभी राज्यों के, एक जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जे एंड के को छोड़ के सभी राज्यों के यहाँ पर फिजिकल है वो कंप्लीट हो चुके। जी हाँ दोस्तों, इतने दिन जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके सभी सेंटरों में ये फिजिकल कंडक्ट करवाए जा रहे थे, तो वो सभी सेंटर बिजी थे। अब मैं बात करता हूँ ITBP की, तो ITBP के बहुत सारे सेंटर ऐसे थे जहाँ फिजिकल चल रहा था, तो इसी कारण आपका एग्जाम वो नहीं करवाया गया। अब आपका J&K का फिजिकल भी लगभग यहां पर बात करें तो 15, जी हां दोस्तों 15 अक्टूबर तक यहां आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर फिजिकल कंप्लीट होते ही जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो एक बार यहां पर फ्री हो जाएगी और वो आपका एग्जाम बाद में करवाने वाली है। अब बात करते हैं कब तक आपके एडमिट कार्ड यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो दोस्तों आपको यहां पर ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं कब तक आपके एडमिट कार्ड यहां पर आने वाले, तो यहां पर आप देख सकते हो एडमिट कार्ड की यहां पर बात करें तो 15 अक्टूबर, जी हां दोस्तों 15 अक्टूबर तक आपके एडमिट कार्ड नहीं आने वाले। बात करते हैं कब तक आएगी, तो 15 अक्टूबर के बाद में, 15 अक्टूबर से लेके आपके 30 अक्टूबर तक कभी भी आपके एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं और नवंबर में आपके 100% चांसेज है कि नवंबर में आपका एग्जाम है उसकी डेट डिक्लेयर करके आपका एग्जाम वो नवंबर मंथ तक करवा लिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि सभी ट्रेडों के एग्जाम होंगे या फिर अलग अलग ट्रेड वाइज आपके एग्जाम करवाए जाएंगे या सभी ट्रेडों के। दोस्तों आपने BSF का भी एग्जाम दिया होगा, अगर दिया है तो आपको पता भी होगा ट्रेडमैन की अभी भर्ती आई थी तो सभी अलग अलग स्टेटों का यहाँ पर एग्जाम करवाया गया था, तो यहाँ पर आपकी सभी ट्रेडों का एक साथ पेपर करवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पेपर 50 नंबर का आपका होना है, ट्रेड के आपके 50 नंबर वो अलग है, पेपर का लेवल सब में सेम रहने वाला है, तो वो एक ही पेपर यहाँ पर आपका आने वाला है, चाहे आप कुक हो
वाटर कैरियर हो या फिर आप सफाई वाले या मोची या धोबी, कोई भी आप ट्रेडशिप हो, अप्लाई किया हो, सभी का एग्जाम एक साथ होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इस बार आपको कितने नंबर, किस प्रकार तैयारी करनी होगी, कितने नंबर लगभग आपको लाने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन है वो लास्ट टाइम तक यहाँ पर हो जाए। तो दोस्तों बात करते हैं उसके बारे में, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये 50 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में जिनके अभी नंबर आए दोस्तों, तो ट्रेड टेस्ट आपका 50 नंबर का हुआ था, तो लगभग बात करें तो 70% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 30 से कम नंबर है। जी हाँ दोस्तों, जिनके 30 नंबर से कम नंबर ट्रेड टेस्ट में दिए गए हैं। दोस्तों आपने देखा भी होगा, अपने नंबर भी यहाँ पर चेक किए होंगे, आपको पता भी होगा आपके कितने नंबर आए, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि कितने नंबर तक ट्रेड टेस्ट में यहाँ पर आए हैं अभ्यर्थियों के। अब बात करते हैं रिटर्न में, तो रिटर्न एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर अभ्यर्थी अगर अच्छी मेहनत कर लेते तो उनको मेरिट लिस्ट में कोई नहीं रोक पाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग, तो यहाँ पर आप जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आप डीके में आप 10 क्वेश्चन तक आप राइट कर सकते हो दोस्तों, मैक्सिमम बता रहा हूँ दोस्तों 10 नंबर तक आप आराम से ला सकते हो। एलिमेंट्री मैथ की बात करें तो मैथ में आप 8 क्वेश्चन तक आराम से सही कर सकते हो, क्योंकि मैथ का लेवल ज़्यादा हार्ड यहाँ पर नहीं आता है। अगर दोस्तों आपने बीएसएफ हाइड जो ट्रेडमैन है उसका भी एग्जाम दिया था, और पहले भी अगर आपने कभी एग्जाम दिया तो आपने देखा भी होगा पेपर। यहाँ पर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप 12 से लेके 15 तक, जी हाँ दोस्तों 12 से लेके 15 तक आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं हिंदी के, तो हिंदी बहुत ईजी आती है, यहाँ पर हिंदी में आप 8 से 10 के लगभग सही कर सकते हो। तो ऑल ओवर अगर आपके 40+ नंबर बन रहे हैं तो यहाँ पर 40 ये है, और उसके बाद में अगर आपके ट्रेड टेस्ट में 30 नंबर भी बन रहे हैं तो यहाँ पर 70 नंबर आपके हो जाएंगे, और आपकी कट ऑफ इतनी हाई जाने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में बहुत कम अभ्यर्थियों के नंबर बन रहे हैं। तो यही एक बड़ा कारण है दोस्तों कि इसकी जो जितने भी आपके अदर जो ट्रेडमैन के एग्जाम होते हैं उनसे इनकी कट ऑफ है वो हमेशा नीचे रहती है बीएसएफ की। तो एक बड़ा रीज़न आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अलग अलग आपकी कट ऑफ, इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि पिछली बार की अगर आप कट ऑफ उठा के देख सकते हो दोस्तों, अगर आपने जो आईटीबीपी जो ट्रेडमैन है उसका अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता भी होगा। यहां पर बात करते हैं दोस्तों अलग अलग सभी जो ट्रेड है उनकी ऑल ओवर यहां पर बात करने वाले इस वीडियो में। अगर देखे दोस्तों यहां पर जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहां पर इस बार जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर मैं बता दें दोस्तों इतने प्लस आपके नंबर बन रहे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो अगर आपके 70+ स्कोर बन रहा है तो आपका 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे कोई सी भी आपने पोस्ट अप्लाई की हो, 70+ अगर आपके नंबर बन रहे तो 100% आपका सिलेक्शन है। अगर बात करें दोस्तों ओबीसी की, तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपके यहां पर देख सकते हो दोस्तों 64+ अगर आप नंबर बना लेते हो तो यहां पर आपका सिलेक्शन है वो 100% चांसेस बन रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों एससी कैटेगरी की, तो ऐसी कैटेगरी दोस्तों ये हाईएस्ट कट ऑफ बताइए मैंने, इससे आपकी कट ऑफ कम रह सकती है लेकिन इससे ऊपर नहीं रहने वाली। आपको इसी टारगेट को लेकर तैयारी करनी होगी अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है आईटीबीपी ट्रेड्समैन में। तो अगर बात करते हैं दोस्तों ऐसी कैटेगरी की, तो ऐसी की यहाँ पर बात करें तो ऐसी में यहाँ पर आपके 58+ नंबर आप बना रहे हो तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन है वो 100% चांसेज बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों 50+ भी नंबर बना रहे हो तो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस है। और बात करते हैं अक्स सर्विसमैन की, तो अक्स सर्विसमैन के लिए मैं सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, अक्स सर्विसमैन जितने भी है उनके लिए केवल क्वालिफाई नंबर चाहिए, अगर उनको क्वालिफाई नंबर ही ले आ पाते हैं तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर 100% हो जाता है। अब बात करते हैं बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है जिनको अपनी ट्रेड टेस्ट का ट्रेड तो टेस्ट तो दे आए लेकिन अभी तक उन्होंने रिजल्ट भी नहीं देखा, मतलब उन्होंने रिजल्ट ये ऐसे नहीं देखा, वहाँ पर तो उनको पास बता दिया गया था लेकिन साइड पे अब आपके नंबर अपलोड कर दिए गए। जी हाँ दोस्तों, नंबर भी आपके अपलोड कर दिए गए, और वो यही नंबर है इससे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर के साथ में आपका जो ट्रेड टेस्ट है उनके नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, आपके ट्रेड टेस्ट के नंबर बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले, क्योंकि 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट हुआ था और लगभग 70% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 30 नंबर से कम नंबर है, 50 में से 30 से कम नंबर आए। जी हाँ दोस्तों, आपने एनालिसिस भी कर लिया होगा, अपने दोस्तों के नंबर भी देखे होंगे, तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको जो कट ऑफ बताई इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 110% चांसेज बन रहे हैं, आराम से हो जाएगा। फिर भी दोस्तों आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दोबारा होने वाला है और उसके बाद में आपका मेडिकल भी होने वाला, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपकी आने वाली है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। दोस्तों
आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आईटीबीपी ट्रेड्समैन भर्ती 2019 से रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।